हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हल्दी घाटी की माटी से तिलक कर पुष्प वर्षा से किया सेना के जवानों का रक्त लाई में भव्य स्वागत। भारतीय सेना के जाबाज जवान आगामी 20 दिन तक एक लिंगगढ़ छावनी से गोगुंदा, हल्दी घाटी, रणकपुर, कुंभलगढ़, दिवेर, चित्तौड़गढ़, चावन और उदयपुर भ्रमण पर निकलकर क्षेत्रवासियों से संवाद कर रहे हैं। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 9वीं बटालियन मेवाड़ ट्रेल अभियान चला रही है। मेवाड़ ट्रेल एक पैदल आधारित अभियान है जिसे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 9वीं बटालियन द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान में 2 महिला अधिकारियों सहित 70 सैनिक शामिल है। ये उन स्थानों से होते हुए 550 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं जहाँ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जैसे हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, दिवेर आदि। अभियान दल अपने पूरे युद्ध साजो सामान के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान विशेष रूप से 1971 के भारत पाक युद्ध के दिग्गजों और वीर नारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय सेना के जवान एवं अधिकारी हल्दी घाटी के मुख्य रण स्थल रक्त तलाई पहुँचे, जहां पर ग्राम सरपंच, स्थानीय युवा मंडलों द्वारा सेना की टुकड़ी का भव्य स्वागत किया। रक्तलाई के मुख्य गेट पर नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं द्वारा सैनिकों पर पुष्प वर्षा की गई एवं हल्दी घाटी पलटन समिति, प्रेस क्लब, हल्दी घाटी नवयुग मंडल सहित अन्य उपस्थित ग्रामीणों द्वारा गर्म जोशी से भारतीय सेना की टुकड़ी का स्वागत किया गया। सैनिकों द्वारा मुख्य रण क्षेत्र देखकर स्वयं को धन्य महसूस किया गया। इस अवसर पर खमनोर सरपंच ममता वीरवाल के साथ स्थानीय महिलाएं, पंचायत समिति सदस्य तनसुख सोनी, हल्दी घाटी प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश पालीवाल, जय हल्दी घाटी नव युवक मंडल अध्यक्ष चैतन्य पवार सहित हल्दी घाटी पर्यटन समिति संस्थापक कमल मानव एवं हिमांशु सोनी, टिंकल सोनी, निर्मल पालीवाल, विनोद खटीक, अंकित माली, गोपाल माली, एडवोकेट चंदू माली, स्थानीय नन्हे बालक बालिका, युवा बुजुर्ग, ग्रामीण उपस्थित रहे एवं सेना के जवानों का हल्दी घाटी की माटी से तिलक कर पुष्प वर्षा कर देशभक्ति के नारों के साथ स्वागत किया। जागरूक टीवी की राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।